Hello everyone, welcome back. I hope you are doing well. And today I have brought another lesson for you based on future plans. So everybody has future plans. सबके future plans होते हैं. But today we will learn how to talk about future plans. Not normal future. वैसे तो हम future में use करते हैं. I will go, I will come, I will eat. But today we will talk about plans. तो उसके लिए हम कुछ अलग type English use करते हैं. So देखते हैं. So the first thing is like we are going to do something like I'm going to buy a new phone tomorrow. So I'm going to buy. As you can see, जैसे कि आप देख सकते हैं, be going to do something. तो be की जगह पर is, am, are कुछ भी हो सकता है, depending. And going to future plan and that particular action. I'm going to buy a new phone tomorrow. तो कल मैं नया फोन खरीदने वाला हूँ, खरीदने जा रहा हूँ. Something like ऐसे ही कुछ हिंदी में हम लोग बोलते हैं. ठीक है. एंड इस गोइंग टू का मतलब ऐसे जा रहा हूं, पैदल पैदल वाला नहीं है. इट मींस फ्यूचर प्लान. इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्लान. ओके. द सेकंड एग्जांपल इज सारा इज गोइंग टू सेल हर कार. तो सारा अपनी कार बेचने वाली है, बेचने को है. राइट. शी हैज डिसाइडेड, मतलब उसने डिसाइड कर लिया है, उसका इरादा है. शी हैज इंटेंशन. तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सारा इज गोइंग टू सेल हर कार. राइट. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम गोइंग टू लीव इन 10 मिनट्स. मैं 10 मिनट में निकलने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं. तो कोई काम हो आपको तो प्लीज मुझे बता सकते हैं. आई एम गोइंग टू लीव. सो दिस इज हाउ वॉट वी हैव डिसाइडेड फॉर द फ्यूचर. जो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं उसको बोलने के लिए हम कुछ इस तरह की इंग्लिश को यूज करते हैं. ओके. सो नाउ आई विल शो यू सम अदर टाइप ऑफ थिंग्स हियर. दे आर सेम. The difference is be to plus verb first form. ये formal है और ये informal है. तो formal और official language में हम लोग उसको इस तरह से बोलते हैं. The government is to spend 100 crore on new railway tracks. तो government नए railway tracks बनाने के लिए 100 crore rupees खर्च करने वाली है. That is the future plan. क्योंकि future में खर्च करेगी. But आप यहाँ पे notice करेंगे government is going to नहीं लिखा है. राइट. द रीजन इज दैट गोइंग टू इनफॉर्मल है एंड गवर्नमेंट इज टू स्पेंड. गवर्नमेंट स्पेंड करने को है. तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये दिस इज अमेजिंग फॉर यू. आप इस तरह के सेंटेंसेस बहुत फाइंड करेंगे न्यूज़पेपर में. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट इज टू विजिट द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑन मंडे. तो हमारे राष्ट्रपति नया पार्लियामेंट हाउस में मंडे को जाने वाले हैं, मंडे को वहां पर विजिट करने वाले हैं, करने को है. समथिंग लाइक इन हिंदी वी से. ओके. अगेन इसमें आपको गोइंग टू नजर नहीं आ रहा है बिकॉज इट इज फॉर्मल सेंटेंस. सो फॉर्मल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग फ्यूचर प्लान को बताने के लिए गोइंग टू यूज नहीं करते हैं. सो प्रेसिडेंट इज टू विजिट. ओके. द नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम्पल द सीईओ ऑफ द कंपनी इज टू होल्ड अ मीटिंग रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, द न्यू प्रोजेक्ट. तो कंपनी का जो सीईओ है वो जो नए प्रोजेक्ट पे उसके संबंध में मीटिंग करने वाला है या करने को है. समथिंग लाइक इन फ्यूचर. ठीक है. अगेन यू कैन नॉट सी हियर गोइंग टू नहीं यूज करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ये इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं. दिस इज फॉर्मल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, स्पेशली द लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर. और कभी कभी शॉर्ट में आप देखेंगे आपको इस भी नहीं मिलेगा हेडिंग्स. न्यूज़पेपर की हेडिंग में क्या होता है? द गवर्नमेंट टू स्पेंड. वहां पे इस भी गायब होता है. तो इस तरह से हेडिंग्स बनाई जाती हैं. बाकी डिटेल में आपको ये नजर आता है. सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ वी टॉक अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में कैसे बात करें, इनफॉर्मल वे में और ऑफिशियल वे में. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन. एंड प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स वॉट आर यू गोइंग टू डू. आपका क्या प्लान, आप क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर. ओके. सो प्लीज टेल मी. एंड दिस इज द एंड. एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर. Have a great time and keep speaking English.